बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड. तो बुलेट छोटी सी होगी, मास 50 ग्राम है, 50 डिवाइडेड बाय, यहां से लिख सकते हैं यार, 50 डिवाइडेड बाय 1000 क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद उसका इनिशियल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड है. इट पेनेट्रेट्स 10 सेंटीमीटर विद वेलोसिटी विद द इनिशियल वेलोसिटी इनटू अ स्टिल टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट. तो मतलब इस वेलोसिटी से शुरुआत की होगी और टारगेट पार हुआ है या नहीं हुआ है इसकी हमें चिंता नहीं करनी है. हम मान के चल रहे हैं कि कहीं पे रुक गया है. यहां पे वेलोसिटी वी थी यही वाली, और यहां पे फिर वेलोसिटी जीरो हो गई. अब ये क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो चलो इसी को वी मान लेते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड. इसको यू मान लेते हैं, यू है ऐसा. और पेनेट्रेट्स कितना, 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर को ही हम लोग डिस्टेंस कवर्ड लिख लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 मीटर. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, A2AS टाइप लगाना होगा. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द बुलेट, द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स. तो शुरुआत इनको ये बोलना चाहिए कैलकुलेट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ज्यादा अच्छा होता. और ये वाला पार्ट तो बच्चों ने कर भी लिया था अपने आप. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम क्या है, 50 डिवाइडेड बाय 1000, और वी क्या है, 500 इसका स्क्वायर. तो एक बार और 500. ठीक है, ये गया 250. ठीक है, तो 5 × 5 = 25 × 2 × 25 × 10, तो 625 जीरो. काइनेटिक एनर्जी किसमें मेजर की जाएगी, जूल में मेजर की जाएगी. तो पहला पार्ट हमारा आ गया 6250 जूल. बट सेकेंड पार्ट में हमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सेकेंड पार्ट में देखिए, ये एस है, ये वी है, ये यू है. एवरेज रिटार्डिंग फोर्स पूछी गई है, तो ऐसा करें हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लें, फिर एफ इज इक्वल टू एम ए लगाकर फोर्स निकाल लेंगे. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 AS है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है. और फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी काफी ज्यादा है 500. 2 AS कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 100. बस, तो ये हो जाएगा कितना, A/5 है ना, यहां से समझ रहे हैं आप. A/5 इज इक्वल टू 500 × 500. तो A कितना हो गया, काफी ज्यादा हो गया, 125 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि हमें फोर्स निकालना है, तो इसे कोई जरूरी नहीं है कि हम उसमें कन्वर्ट ही करें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, ऐसे ही बना रहने दीजिए. एफ इज इक्वल टू एम ए होता है. एम क्या है, 50 डिवाइडेड बाय 1000, और 125 × 10⁴ को 10³ × 10⁻¹ लिख दिया मैंने, और अब आ जाना चाहिए 125 × 5 = 625. एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, तो 62500. और फोर्स है क्या, न्यूटन में, तो फोर्स भी हम लोगों ने निकाल ली. तो अच्छा सवाल था, ऐसा सवाल क्लास 11th में भी पूछा जाता है. तो अगर आप नहीं कर पाए थे तो कोई हताश होने वाली बात नहीं है, बट अब तो आपको समझ में आ गया होगा. दिस क्वेश्चन इज डन नाउ.